समाधान हुआ। अगले दिन मैंने स्वयं ये प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस देकर के प्रश्न पूछा, जिसमें प्रणव जी ने समाधान किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो भी वो इम्प्रेशन कैसे गया मुझे नहीं मालूम, पर उस बात को बाद में बनाया प्रधानमंत्री जी ने। वो सदन में आए भ्रष्टाचार की बहस का उत्तर देने के लिए, उन्होंने स्वयं प्रसंग चलाया और प्रसंग चला करके ये कहा, अन्ना के प्रयासों की सराहना करते हुए, आई अप्लॉड हिम, आई सैल्यूट हिम। उन्होंने कहा कि मैं उनसे अनशन तोड़ने की अपील करता हूं और उन्हें आश्वासन दिलाया कि हम एक प्रभावी और मजबूत लोकपाल बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी की भावना सदन की भावना बन जाए, इसलिए विपक्ष की ओर से मैंने खड़े होकर स्वयं को संबद्ध किया और आपने स्वयं खड़े होकर पीठ की गरिमा उसमें जोड़ दी। उसके बाद तो लगता था कि जरूर समाधान निकल आएगा। हाँ, उन सब बिलों की चर्चा होगी कहा उन्हें, और हाउस में होगी ये भी कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उसके आधार पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगले दिन सरकार कोई मोशन लाने वाली थी, कोई रेजोल्यूशन लाने वाली थी, या किस तरह से वो पहल करने वाली थी, क्योंकि उस रात अन्ना के प्रतिनिधि पहली बार हमसे मिलने आए और उन्होंने हमसे ये कहा कि सरकार एक मोशन लाएगी जो रेजोल्यूशन की शक्ल में होगा, जिसमें अन्ना की तीनों मांगे होंगी, हम आपसे समर्थन मांगने आए। हमारी कुछ आशंकाएं थी, हमारे कुछ प्रश्न थे, हमने उनसे बात की, कहीं उन्होंने हमारी बात समझी, कहीं हमने उनकी बात समझी, और हमारे बीच में एक आम सहमति उन प्रश्नों पर बनी। मैंने संसदीय कार्यमंत्री से संपर्क साधा कि कोई रेजोल्यूशन या मोशन आप ला रहे हैं, उन्होंने कहा अभी तक तय नहीं हुआ। अगले दिन सुबह मैंने फिर संपर्क साधा, कोई रेजोल्यूशन आप ला रहे हैं, उन्होंने कहा अभी भी तय नहीं हुआ, मैं 10 बजे बता पाऊंगा। फिर 10 बजे फिर संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि सोच रहे हैं कि 193 के कुछ नोटिसेज ले लें और उस पर चर्चा करा दें। अध्यक्ष में आवाज रह गई, समय हो रहा था, मैं सीधे सदन में आई, गुरदास दास गुप्ता जी और वासुदेव आचार्य मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि क्या आपसे भी सरकार ने कहा कि 193 के नोटिसेज दे दें। इनका जी कहा तो है, तो उन्होंने कहा सरकार पलट कैसे गई, हम क्यों नोटिस दें, पहल सरकार ने करनी थी, मोशन सरकार का आना था, रेजोल्यूशन सरकार की तरफ से आना था, ये हमारे कंधों पर डाल करके और सांसदों का एक नोटिस आ जाए उस पर चर्चा हो जाए, ये बात तो समझ में नहीं आई। गुरदास दास गुप्ता ने मुझे बताया कि इफ्तार पार्टी में पहले दिन उन्होंने एक सजेशन दिया था कि सरकार की तरफ से मोशन नहीं तो एक स्टेटमेंट आ जाए, हम उस स्टेटमेंट पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन समझ नहीं आया कि सरकार पैर पीछे क्यों हटा रही थी। इतने में करीब 11:30 बजे मेरे चीफ व्हिप ने आकर मुझे बताया कि मीडिया पर एक खबर चल रही है, श्री राहुल गांधी अन्ना हजारे पर एक वक्तव्य देंगे। सुबह से एक खबर आ रही थी कि शायद इसमें श्री राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव इसमें कोई प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। जब उन्होंने आकर के मुझे ये खबर दी तो मुझे लगा कि शायद वो बात सही है। इतने में मैंने पीछे की तरफ देखा कि क्या राहुल गांधी सदन में बैठे भी हैं, क्योंकि वो आते ही बहुत कम हैं। देखा वो बैठे थे तो मुझे उस बात की पुष्टि होती नजर आई, तो मुझे लगा मगर राहुल गांधी किस पर बोलेंगे, लगा कि जीरो आर में बोलते होंगे, अधिकार है किसी भी मेंबर का। तो मैंने जीरो आर की सूची जो मेरी टेबल पर आती है वो देखी, उसमें उनका नाम नहीं था, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, इसी सदन में बहुत बार जिन लोगों का नाम उस 20 में नहीं आता बैलेट में, वो स्पीकर से विशेषाधिकार के तहत अनुमति मांग लेते हैं और आप अनुमति देती हैं, काफी उदारता से देती हैं, तो अगर उन्होंने मांगी होगी आपने भी दे दी होगी तो शायद उसके तहत बोले, और वही हुआ। जैसे ही पेपर्स लाइन खत्म हुई आपने उनको अनुमति दी, वो बोलने लगे, हम सुनने लगे। इतनी देर में मैंने देखा दौड़ते दौड़ते प्रधानमंत्री जी भी आए और सदन में बैठ गए सुनने के लिए। मुझे लगा कि शायद तो बहुत बड़ी बात वो कहने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं चलकर आए हैं। अब वो कांग्रेस महासचिव हैं लेकिन इस सदन के तो दूसरी बार के जीते हुए सदस्य ही हैं, आपने उन्हें अनुमति दी, आप अनुमति देती हैं अध्यक्ष जी, बहुत बार देती हैं, लेकिन
लेकिन जीरो आर में कोई विषय उठाने की अनुमति देती है आप? प्रवचन करने की अनुमति नहीं देती? 3 मिनट की अनुमति देती है आप? 3 मिनट की अनुमति देती है आप? और खींच खींच कर, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँ, बैठ जाओ। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी आप 3 मिनट की अनुमति देती हैं, जिसे खींचकर हमें 5 मिनट तक ले जाना पड़ता है, जिसमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। 3 से 5 होते नहीं, लेकिन 5 पन्नों का एक पढ़ा लिखा हुआ वक्तव्य जो उन्होंने यहाँ पढ़ा 15 मिनट का, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। मैं चेयर के डिसीजन को चैलेंज नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ हमारी बाध्यता है उस निर्णय को मानना, और हमने माना। बैठ जाइए। अध्यक्ष जी क्योंकि प्रणव दा ने एक विवरण दिया और मैंने प्रारंभ में कहा उस विवरण में कुछ गैप्स हैं, मैं उन गैप्स को भर रही, इसलिए मैं कोई चीज अप्रासंगिक नहीं कह रही। मैंने ये कहा कि हम ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो पहले दिन बोला, सरकार पैर पीछे क्यों हटा रही है, मैं उस पर आ रही हूँ। श्री राहुल गांधी ने, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, यहां खड़े होकर कहा, आई बिलीव वी नीड मोर डेमोक्रेसी विद इन आर पोलिटिकल पार्टीज। हंसी आती है। आई बिलीव इन गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ आर पोलिटिकल पार्टीज, आई बिलीव इन एम्पावरिंग अवर यूथ, इन ओपनिंग द डोर्स ऑफ आर क्लोज पोलिटिकल सिस्टम, इन ब्रिंगिंग फ्रेश ब्लड इन टू पॉलिटिक्स एंड इन टू दिस हाउस, आई बिलीव इन मूविंग आर डेमोक्रेसी डीपर एंड डीपर इन टू आर विलेजेस एंड आर सिटीज। लेट अस कमिट आर सेल्व टू ट्रूथ एंड प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, वी ओ इट टू द पीपल ऑफ इंडिया। अध्यक्ष जी, वो राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे या जीरो आर का इंटरवेंशन कर रहे थे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। डिबेट को ऊंचे स्तर पे रखने की बात कही थी, मैं समझता हूँ कि भाई हम रख लें तो बहुत अच्छा है। मैडम, अध्यक्ष जी, वॉज द स्पीच एन एड्रेस टू द नेशन और अ जीरो आर इंटरवेंशन? आई एम आस्किंग यू। अध्यक्ष जी, कांग्रेस की तरफ से बात हो जाएगी, इसके बाद ही कांग्रेस का टर्न है, इसके बाद ही कांग्रेस की बारी है। बैठ। रूल, हाँ, व्हाट इज द रूल? आई एम ओनली कोटिंग द रूल्स बुक। रूल, एनी मेंबर रूल्स